हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बाद यह है 8 और मैं अभी सो के उठा हूँ। कमरा आप देख पा रहे होंगे, वह अस्त व्यस्त है। जमाते हैं स्कूल। मैं हो गया हूँ तैयार दुकान जाने के लिए। पानी की बोतल रख ली है मैंने। जाना है पैदल। मिलते फिर आपसे। अतिक्रमण हटने के बाद रोड तो हाईवे हो गई है। 60 फुट जगह करीब निकली हुई है। भैया जयराम जी की फिर कितने बजे चल रहा है अब? 12 बजे। आज करकविल मार्केट से अतिक्रमण हटाया जाना है। प्रशासन द्वारा कमेटी गठित हो चुकी है, जिस चूंकि समय से आने ही वाले होंगे। कुछ समय से देखते हैं आज क्या क्या होता है। क्या पता भाई, चल रहा हूँ। देखो आए तो हैं फिर असला बारू लेके सब। आपके बीच में कोई कागज हो तो दिखा दो। हाँ तो फिर हटेगा। इधर रेलवे की जमीन है, इधर सरकारी है। वो क्या है, यहाँ निशान लगाए वहाँ निशान लगाए। पहले यहाँ लगाए तो। अरे निशान कहीं पे भी लगा रहे हैं। आप अपना कागज बताओ ना। उधर सरकारी रेलवे, इधर शासकीय रोड। तो फिर गाली बुलवा लो। गाली बुलवाओ। क्या बताएं, पंचायत से पूछो कहीं व्यवस्था करे तो। अरे पंचायत के लोग सामने तो आए, कहाँ है सचिव सरपंच? कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। घर में सोए हैं। एक आधार आधार आप खाली कर दोगे तो मैं 25 दिन के अंदर नाली और रोड दोनों तैयार करके दे देंगे।
वही एक तरीका है। देखो दूसरी जगह, अब जैसे कलेक्टर मैडम से ये बोल रही है कि भाई उनको दूसरी जगह अलाट कर दो, आप लोग तैयार नहीं हो। नहीं जगह भी तो नहीं है, जगह भी नहीं है, नहीं मान लीजिए जगह भी हो जाएगा तो आप लोग तैयार इसलिए नहीं हो क्योंकि वहाँ मार्केट नहीं रहेगा। तो लेकिन उसका तरीका यही है कि फिर हटा के गुमती बना के, ये 68 लोगों का है जो हमने काउंट करा लिया है, उसने 68 गुमती बना के दे दी और फिर वो प्रॉपर पंचायत उसका टैक्स भी वसूले, एक पंचायत का आय बना रहे। कलेक्टर साहब एक चीज़ भी सकता है, सरकार जगह भी नहीं है इन लोगों को, जो बोझी रास्ता बना के लिए जी पानी रहने तो खा बाजू से नाली निकल जाए। आपकी दुकान है क्या? हाँ मेरी दुकान है, क्या चीज? किराने की दुकान है। देखो भाई साहब क्या है, 100 आदमी और 100 प्रस्ताव, सबके 100 आदमी है तो 100 प्रस्ताव सबके अलग है। 100 लोगों के प्रस्ताव नहीं माने जा सकते, ठीक है ना? जो सरकार अगर प्रस्ताव दे रही है, एक प्रस्ताव रहेगा, सब लोग एक्सेप्ट करो उसको, मानो सर जी। मगर हम आपकी बात बिल्कुल मानने को तैयार। आप वही देखो, ये 10 फीट लिए जमीन, ये 5 फीट लिए, ये 15 फीट लिए, ये 20 फीट लिए, फिर सबको एक सी बराबर मिल जाएगी। हाँ, एक जन कार रख रहे हैं तो एक जन गाय बांध रहे हैं। एक जन बाथरूम की जगह में दुकान लगा के रखी है। हाँ जी जी, वो तो उसने टपरा लगाया हट गई, लेकिन उस दिन सोन मैंने जी आया, उन्होंने तुरंत इमीडिएट 1 मिनट में हटाया उसको। तो भी ये बल लग रही है, ये सब अरे अच्छी बात है, ये सब आपको करना पड़ेगा। साहब जो कह रहे हैं इससे आपके रोड की सोवी बनेगी सर। उस तरफ के लोगों ने कैसे तोड़वाई अपनी जमीनें, कोई के पक्के चबूतरा टूटे, कोई के कुछ टूटा, और वो अपनी लिमिट में थे, मर्यादा में थे, तो वो बन के निकल गई है। कहाँ पर सर? उस तरफ की लाइन में। इस तरफ की लाइन में तो सर पूरे, यानी इस तरफ भैया आप हम कह रहे हैं ना आपसे बात, आप सरकारी जगह देखो, चोरी और सीना चोरी नहीं कर रहा सर। आपके निवेदन को साहब ने स्वीकार कर लिया है आप, लेकिन आप कहोगे हम ही जो कह रहे हैं वही मानी जाए, नहीं। देखो वो वहाँ 25 फीट, यहाँ 20 फीट, यहाँ 5 फीट, यहाँ 15 फीट, साहब ने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी आप नाली सबकी एक रूपता हो जाएगी, एक रूपता हो जाएगी। 8x8 का गुमती सबका बन जाएगा, या 10x10 का जैसा जो भी बनेगा आपको गुमती मिल जाएगी। रोड की चौड़ाई हो जाएगी, नाली में व्यवधान नहीं होगा, नाली नीचे रहेगी, गुमती ऊपर रहेगी, पानी सक्षम भी नहीं। क्यों सब अरे भाई, तो आने में तो आपका खर्चा हो नहीं रहा है, आपको तो सामान बाहर भी लाओ, एक दिन 5 मिनट में कचरा भाई, तो सामान आप बाहर निकालोगे, सामान आपका सुरक्षित है, बस गुमती गुमती बनाने में कितना है, ज्यादा 8-10 हजार में गुमती बन जाती है। आप आज जब बताओ ना, आज हमने जेसीबी की, ट्रैक्टर किया, लेबर लगाए, सब कुछ, आप ये तो सरकार का बेस्ट ही जा रहे हैं ना। पुलिस बल के साथ सरकारी अधिकारी लोग लगे हैं चर्चाओं में व्यापारियों से, जिनकी भी दुकानें टूट रही हैं। हम तो कह रहे हैं अब तक हो जाता ही है, सवार है सुन लो, हम सुन लो, रोड नाली क्या होगा, नाली रोड नहीं चाहिए, बनवाई ही नहीं, बनी बनाई है, चाहिए ही नहीं है रोड नाली, मैं बना रोड नाली चाहिए ही नहीं है, कह दो बिल्कुल चला जा। आप लोग
कि हम अपने स्तर पे भी यहाँ के जो स्थिति पाए हैं वो बताएंगे सर। वो चीज़ सर, परिवार सर, आप भी अपनी तरफ से सामने से दो दो तीन तीन फुट सर ऐसी जगह चाहिए तो हम लोग देने को तैयार है सर। जो पुराना नाप था ना सर, वो सब चीज़ ना कोई शिकायत शिकवा होगी ना कुछ होगा। सामने से आप जो निशान लगे यार, मैं समझ रहा हूँ जी। आप लोग अपनी बात जाके मैडम को बताइए। आपके सामने आप सबका छू है आप सबको सर। हम लोग वो करवा दे सर, सामने से भलाई दो दो तीन तीन की बात है। तो अहिंसात्मक आंदोलन नहीं रहेगा। अगर आप हिंसा में विद्रोह उतरेंगे तो ही आप बचेंगे। उसके लिए आज गांव बंद हुए, आज इतने लोग थे क्या उसके बाद बताओ तो 75 लोगों की दुकान में 5 लोग देख रहे। शर्म की बात है अपने लिए। और कौन से व्यापारी संघ की बात कर रहे हैं अपन? व्यापारी संघ को गठन करने तो इतना बनाओ ना, भले उसकी दुकान ना हो, कम से कम आपके यहाँ बोले तो कि भैया अगर मान लो 5 लोग उसमें सहमत नहीं हो रहे, उन लोगों को बहिष्कार करो कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो। ये पूरे ग्राम मतलब पूरे गांव की बात है, तो ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। क्षेत्र की 2000 की जनसंख्या में अगर अपन 20 करते हुए तो अपन को कौन सोएगा है? क्षेत्र की शान है। और आज मान लो पार्टी की बात कर रहा है भैया, जो आदमी सक्षम है अपने अपने लेवल पे उसकी कार्रवाई करे, चाहे वो बीजेपी हो यार मुन्ना भैया हो, चाहे आज मोनू भैया हो, चाहे आज कैलाश पटेल जी हो, चाहे आज मन करो एमपी हो। कल मार्केट भी बंद करी यहाँ पर भैया, कर देंगे मार्केट बंद और कल नहीं प्रयास करना। हमारा फरमान है हमारे गाँव की भैया की दुकानें नहीं टूटेगी, आपसे जो कुछ करल बने कर लो, समझ गए ना। बुलडोजर के सामने सोवे गुंजाश हो तो आप इतने बैठ के अपन डिस्कस करें, और नहीं तो अपनी अपनी दुकानदारी 4-5 दिन और चलाओ। सहमति हुई है कि गोटेगांव जनसुनवाई में जाना है। हम लोग पहुंच गए हैं गोटेगांव जन सुनवाई के लिए। मोनू भैया के यहाँ पे ऑफिस के पास, मेरी ऑफिस बंद है, सभी लोग वेट कर रहे हैं। जन सुनवाई में मोनू भैया थे नहीं तो हम लोग इधर आ गए जैन साहब के यहाँ कचौड़ी खाने के लिए। कचौड़ी के लिए अंगली कचौड़ी लगा दी। इधर भी हम लोग आए हैं कुर्ती खाने के लिए। इधर भी है Thank you.
जिला फाटक बंद, 10 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा।